शिनचैन, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। शिनचैन, क्या हुआ शिनचैन? आज तुम सुबह से ही उदास हो, क्या हो गया? शिनचैन के घर में उसकी कोई परवाह नहीं करता है। कोई भी इसकी परवाह नहीं करता? मम्मा पापा सिर्फ छोटी बेटी से ही प्यार करते हैं। घरों में ऐसी बातें आम होती हैं, पर ये बात आप नहीं समझ सकती हैं मैम। अब समझ आई। शिनचैन, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें भूली नहीं है। आज अपने मॉम डैड के पास जाना और उनके साथ वक्त बिताना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें भूले नहीं। ओ हाँ, और ये ड्राइंग भी उन्हें दिखाना जो तुमने आज बनाई है, हो सकता है कि काम बन जाए। क्यों है ना? क्या हुआ? क्या प्रिंसिपल सर ने आपकी सैलरी बढ़ा दी? क्या क्या कह रहे हो? तो फिर आप आज इतनी खुश क्यों हैं? मैं हमेशा से ही इस तरह से रहती हूँ। आपका प्यारा शिनचैन आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम को बाय बोलो बेटा। घर जाके पेट खराब की दवाई ले लेना। सुना नहीं, मैंने कहा मैम को बाय बोलो। मैम आपको जो बताया याद रखना। ठीक है, बाय बोलो। बाय। अब अंदर चलो शिनचैन। मैम आ रही हूँ बेटा। मेरी प्यारी बेबी हिमावरी, क्यों रो रही थी? शिनचैन। यस मैम। जाओ पहले अंदर जाओ और हाथ मुंह धो लो। नहीं, ये सारे काम मैंने कल ही कर लिए थे, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं। कल कर लिए थे लेकिन आज भी करने हैं, जल्दी अंदर जाओ। उससे पहले आप मेरी ड्राइंग देख लीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। मेरी किसी को परवाह नहीं। ओ हिमावरी, रो मत बेबी, तुम घबरा गई। सॉरी। मॉम सिर्फ हिमावरी से प्यार करती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। शिनचैन, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर एक ग्लास जूस तो पी सकते हो। 5 सालों में काफी चीजें बदल गई हैं, पर ये जूस नहीं बदला। अंकल, आज रात में सिर्फ जूस पीऊंगा। अंकल एक गिलास और देना। मैं घर आ गया। मेरी बेटी कहाँ है? ओरे रे रे, पापा ने आपको कितना मिस किया ऑफिस में। सारे किसी दोस्त से ही दे दोगी कि कुछ मेरे लिए भी बचाओगी? ये बेकार की बातें मत करो मेरे साथ शिनचैन। चलो जाओ, जाकर अपना स्कूल का काम करो। ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? हैरी प्लीज, आप शिनचैन को जरा डांटिए। जब से वो स्कूल से आया है मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। आप कुछ कहिए ना। शिनचैन जरा इधर आओ मेरे पास। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा मेरे पास आओ। मैं हिरण हूँ। आखिरी बार कहता हूँ, इधर आओ शिनचैन। मैं शिनचैन नहीं, हाथी हूँ। शिनचैन, मेरी मॉम अच्छी नहीं है और डैड वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या कहा? शिनचैन। मैं तो थक गई हूँ इस लड़के से, क्या करूँ? पता नहीं कहाँ चला गया ये। जरा इसे देखिए हैरी। ये शिनचैन की ड्राइंग है, ये हमारी फैमिली है। वो चाहता है कि हमारी फैमिली ऐसी हो। मैं सब कुछ समझ गया मित्सी। जब से हिमावरी घर में आई है, हम दोनों ने शिनचैन के साथ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये सब कुछ शायद इसी वजह से हुआ। क्या वो चला गया? शिनचैन, शिनचैन, शिरो, हिमावरी का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। जगह बहुत कम है। शिरो, मामा डैड कहाँ गए हैं? मत बताओ, मुझे परवाह नहीं। शिरो, जाके मामा डैड को बोल दो कि अपनी प्यारी बेटी को चुप करा लें।
लगता है मुझे ही इसे चुप कराना पड़ेगा। चुप हो जाओ हिमावारी, चुप हो जाओ हिमावारी, मेरी प्यारी छोटी बहन, चुप हो जाओ हिमावारी, अब तो रोना बंद कर दो, अब तो चुप हो जाओ, मैं गागा के थक गया। सो जाओ हिमावारी, सो जाओ। शिनचान, ये सब मामा की गलती है बेटा। अरे मिस्सी, रोना बंद करो, अगर शिनचान अब तक घर नहीं आया होगा तो हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे। अरे मिट्सी, शिनचान, आज तुम यहीं पर सोना, ठीक है? मेरा बिजनेस ट्रिप मॉम के साथ। सर को बहुत देर हो गई है, वो क्या कर रहे हैं? अगर हम इस ट्रेन से नहीं गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मिस्टर कावागुची, मैं आ रहा हूँ। अरे वाह सर, आ गए, जल्दी आइए, ट्रेन छूट जाएगी। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, भूल गए क्या? तुम्हारा क्या करूं मैं? गुड मॉर्निंग मिसेस नुहारा, अच्छा हुआ आप इन्हें लेकर आ गई, नहीं तो आज हमारी मीटिंग तो कैंसिल ही हो जाती। हाँ हाँ, यही है यही है। आप बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? शिनचान बेशक जॉब कर रहा है लेकिन है तो बच्चा ही ना, मेरे साथ आने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर कावागुची, क्या आप 5 साल के बच्चे की एक्साइटमेंट को संभाल पाएंगे? जब भी वो कोई नई चीज देखता है तो ऐसे ही करता है। ये तो माउंट फूजी है, कितनी सारी बर्फ है। जूस, कॉफी, नाश्ता, क्या लेंगे? एक गिलास मलाईदार लस्सी है तो जल्दी मसाला मार कर दे दीजिए। देखा आपने, ठीक है, लगता है कि आप ठीक कह रही हैं। वैसे अच्छा ही हुआ। खाना खाना आपके घर जैसा खाना, वेज हो या नॉन वेज सब मिलेगा यहाँ पर। अरे इतनी जल्दी लंच टाइम हो भी गया? जरा बात सुनिए। हाँ जी। हमें कुछ, मेरे लिए वेज फूड। मैं लूंगी नॉन वेज खाना। ठीक है, हमें एक वेज और 2 नॉन वेज चाहिए। ठीक है जी, नॉन वेज होगी आपकी 100 रुपए की थाली और वेज होगी आपका 356। सर वेज खाना तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। कंपनी का पैसा बचा कर आप अपने पास रखेंगे? सर आप तो हमेशा मेरी पोल खोल देते हैं। ट्रेन यहाँ 2 मिनट रुकेगी। अरे ये तो महल है, महल है। सर प्लीज आराम से बैठ जाइए, ट्रेन में ऐसा करेंगे तो जुर्माना लग जाएगा। मिस्टर कावागुची, मेरे साथ रहकर तो आप भी समझदार हो गए हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? पर मिस्टर कावागुची, आप ये बात अब तक नहीं समझे कि अपने सीनियर को नहीं डांटते। हे तुम, मिस्टर कावागुची सही कह रहे हैं, वो जूनियर है लेकिन उनमें अक्ल तुमसे ज्यादा है, समझे तुम? इसीलिए ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, समझे? अच्छा होगा कि तुम अपने शूज यहीं उतार लो। आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमारे साथ आ गए। कहाँ है मिस्टर कावागुची, मैं थक गया हूँ। लगता है कि हम अपनी मीटिंग वाली जगह पर पहुँचने वाले हैं। मिस्टर कावागुची, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जरा सेल देखकर आ जाऊँ। मैम आप ये क्या कर रही हैं? बस मैं यूँ गई और यूँ आई। हमारे पास समय नहीं है। कुछ नहीं होता, कंपनी का पैसा है, खर्चने दो, घर का थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा। क्या मम्मी की शॉपिंग के लिए पैसे हमारी कंपनी देगी? हाँ। सर ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? मुझे क्या पता। ठीक है तो फिर, चलिए तो ठीक है, मीटिंग के बाद सेल में चली जाऊंगी। मतलब आप सेल में हर हाल में जाएंगी? देखिए सर, हम लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए हैं, ये है एक्शन फूड। अच्छा अच्छा। यहाँ की सेल्स मैनेजर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अब तक हमारे सेल्स के लोगों ने यहाँ पर अपना काम बढ़ाने की बहुत कोशिश की है लेकिन उन्होंने अब तक कोई कामयाबी नहीं पाई है। मतलब वो लोग हमेशा आपकी तरह हर काम में फेल होते हैं? आखिर आपका मतलब क्या है सर? आपको हिंदी नहीं आती क्या? क्या आपसे कोई नहीं जीत सकता है? पता नहीं क्यों कोई जीतना भी चाहता है। अच्छा तो आप हैं फुटाबा कंपनी के मिस्टर कावागुची? हाँ। और आप असिस्टेंट मैनेजर नोहारा? हाँ। और आप इनकी मदर?
मगर आप लोग आज यहाँ क्यों हैं? हम लोग आपके साथ अपने बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस को बढ़ा देंगी तो हम लोग मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमारी मेहनत बेकार करने की मत सोचिएगा। सर ऐसा मत कहिए प्लीज। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि कब क्या बात करनी चाहिए? मामा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, समझे तुम? समझ गया। वी आर सॉरी। ओके। वैसे भी इस समय आपने जो नया प्रोडक्ट तैयार किया है वो हमारी कंपनी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, तो काम अच्छा ही होगा। लेकिन मिस्टर कावागुची, जरा आप महंगाई के बारे में भी तो सोचिए। अगर आप हमें प्रोडक्ट बेच देंगी तो हमारा नुकसान बहुत कम हो जाएगा, जरा इसके बारे में भी सोच कर देखिए। ठीक है, एग्री करता हूँ। इन्हें माफ कीजिएगा मैम, वैसे आप एग्री कर जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? लेकिन क्यों? सर मैं तो यही चाहूंगा कि आप भी मेरी तरह रिक्वेस्ट कीजिए इनसे। लेकिन मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे रिक्वेस्ट करना सूट नहीं करता ना। ठीक है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगी। है? क्या आप सच बोल रही हैं? मिस्टर कावागुची, इन्होंने कहा कि ये सोचेंगी। सर ये तो बहुत बुरी बात है, क्या आप जानते हैं कि सोचने का मतलब हमेशा ना ही होता है? मिस्टर कावागुची, अब हमें हमारा ट्रम्प कार्ड बाहर निकालना होगा। क्या आपका मतलब है कि? हाँ, क्या आपको प्लान समझ में आ गया है? मैं समझ गया सर। ठीक है मैडम, क्यों ना आप हमारे साथ चल के साथ में खाना खा लें, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी ना, और इससे बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा, क्यों? एक मिनट रुको, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, डिनर की मदद से कामयाबी हासिल करना अच्छी बात नहीं है, आपको अपनी काबिलियत के बल पर ही कामयाबी हासिल करनी होगी, समझे? ये तो बिजनेस का तरीका होता है ना। मॉम ने बिल्कुल सही कहा, ये मैं तुम्हें बता रही थी। ओह, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। अब तक बहुत सारी कंपनीज ने अप्लाई किया है और सभी कंपनीज यही सोचती हैं कि अगर वो मुझे पार्टी देंगी तो उन्हें सफलता मिल जाएगी। वो लोग ठीक सोचते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक बात बताना चाहूंगी, हमारी कंपनी को इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन आप पर है। हाँ, हमारी कंपनी ये डील आपको ही देगी। हाँ, जैसा मैंने सोचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मम्मी को इसी वजह से साथ में लाए थे? नहीं नहीं। तो इस खुशी के मौके पर मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करती हूँ। नहीं नहीं, हमें डिनर पर नहीं जाना। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप लोग नहीं आना चाहेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं, नहीं। हाँ, बहुत टेस्टी है ये तो। इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था आपको खाना पसंद आएगा। जवाब है। हाँ तो मिस्टर कावागुची, आपको ये पार्टी कैसी लगी? मैडम वो दरअसल लगता है आपको मजा नहीं आया। हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी, इसके बाद तो एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। सर एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। अब हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी की उम्मीद कर सकते हैं, क्यों? ये क्या हो रहा है? मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने चुना था। छोड़ो, ये मेरा है। मेरा है। अरे मैं क्या क्यों छोड़िए इसे? तो मैडम कैसी लगी ये सेल आपको? बहुत ही बढ़िया लगी। मैं हमेशा ऐसी डील पसंद करती हूँ जहाँ 3 गुना ज्यादा फायदा हो। मैं तैयार हूँ। अरे अरे छोड़िए, मुझे मैंने सेलेक्ट किया था। कहा इसे मुझे। अरे इसे मैं लूंगी। मुझे